आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कलेक्टरेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर कुमार सानू देवरिया को सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश भर में बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, ऐसे में बिजली बिल जमा करने में असमर्थ है। उधर प्रदेश सरकार लगातार बिजली बिल में इजाफा कर रही है। उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बिजली उत्पन्न नहीं की जाती, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदी जाती है, उसके बावजूद वहां के रहवासियों के लिए सस्ती बिजली दी जा रही है। यहां बिजली उत्पन्न होती है, फिर भी दिल्ली से बहुत महंगी है। वहीं उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानी झेल रहे लोगों के बच्चों की निजी स्कूलों की फीस माफ करने की मांग की। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। शर्मा आम आदमी पार्टी, मैं नवीन शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी विदिशा। आज बिजली के जो बड़े हुए दाम हैं उनके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को। हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि जब दिल्ली में जहाँ की लाइट बनती नहीं है, उत्पादन नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बिजली खरीद कर और वहाँ की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और 400 यूनिट बिजली के दाम हाफ हैं, तो हमारी मांग है शिवराज सिंह जी से कि यहाँ भी 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए जनता को और 400 यूनिट बिजली के दाम आधे किए जाएँ। वैसे ही 15 महीने में आज लोग घरों में बैठे हैं, बंद हैं घरों में, इसके बावजूद ही 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, ऐसे में कैसे भर पाएंगे लोग बिल। तो हमारी मांग है उनसे कि इनको जल्दी से जल्दी किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।